एक काली भाभी की चार गोरी ननद। अरे कजरी बिटिया, तू तैयार हो गई? हाँ बहू जी, हम तैयार हैं। बताइए कैसन लग रहे हैं हम? बहुत ही सुंदर लग रही है मेरी बच्ची। बाऊ जी, आप ये बात हमारी खुशी के लिए बोल रहे हैं, बल्कि सच तो ये है कि हम आप पर बोझ बन गए हैं। अरे ये कैसी बात कह रही है बिटिया, तू तो हीरा है हीरा, जिसकी पहचान सबको नहीं होती है। अब चल। बुधन अपनी काली बेटी कजरी को लड़के वालों के सामने लाता है। कजरी हरीश और निर्मला के पैर छूती है। बस भगवान कहीं ये रिश्ता भी हमरे काले रंग के चलते कट ना जाए। कजरी का भला स्वभाव देखकर निर्मला रिश्ता पक्का कर देती है। भाई साहब, हमें कजरी पसंद है। कजरी जैसी सुशील संस्कारी बहू हमें चाहिए थी। अच्छा हम चलते हैं, अभी शादी की बहुत सी तैयारी करनी है। घर आकर, निर्मला जी, हम अर्जुन की शादी अपनी बेटियों के बिना कैसे कर सकते हैं? आखिर अर्जुन भाई है उनका। देखो जी, आप तो हमारी बेटियों का स्वभाव जानते हो। कजरी एक सीधी साधी लड़की है। मैं चाहती हूँ वही अर्जुन की दुल्हन और इस घर की बहू बने, और उन चारों के रहते ये शादी नहीं होगी। थोड़े दिन में निर्मला कजरी को बहू बना कर ले आती है। आओ बहू, तुम्हारे ससुराल में और हमारे परिवार में मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ। अपने भाई की शादी की बात पता चलते उसकी चारों गोरी घमंडी बहनें गुस्सा हो जाती हैं। भाई ने शादी भी कर ली और हम चारों यहाँ अब्रॉड में बैठी हुई हैं। ठीक है, चल पल बेब्स, लेट्स गो। हम चलकर भाई भाभी को सरप्राइज देंगे। अगले ही दिन चारों अब्रॉड से लौट आती हैं। अरे बहू, कब से कोई डोरबेल बजा रहा है, जाकर देख जरा कौन है। इतनी भोर सवेरे कौन होगा सासू जी? दूध वाला आया होगा दूध देने। कजरी पतीला लिए दरवाजा खोलती है और अपनी चारों गोरी चिट्टी नंद को आधे कपड़े में दरवाजे पर खड़ा देख कर कहती है, गई भैंसिया पानी माँ। भक तेरी कि हम बूझे थे कि दूध वाला आया है, मगर ये गोरी चिट्टी मेम है। देखो तो जरा कैसे छोटे छोटे कपड़े पहनकर लेग पीस दिखावत है। ये सुनकर चारों की चारों चिढ़ जाती है। Who the hell are you? देखो मैडम जी, थोड़ा बहुत अंग्रेजी छाटना हमको भी आता है। How do you do? Oh God, पता नहीं मॉम डैड ने किस जाहिल गंवार बहन जी को मेट रखा है। माँ, पापा, भैया। हाय दैया, भैया, माने कि ये चारों हमारी ननद हैं। अपनी बहनों को घर आया देखकर अर्जुन बहुत खुश होता है। काव्या, दिव्या, आलिया, चंचल, what's a pleasant surprise? सरप्राइज्ड तो आपने हम चारों को किया है भैया, शादी करके। कहाँ है भाभी? अरे तुम चारों के सामने तो खड़ी है तुम्हारी भाभी कजरी। ये सुनकर चारों चौंक कर उसे देखने लगते हैं। ये और हमारी भाभी? यू, माँ पापा, क्या देखकर आपने इसे हमारी भाभी बनाया? कहाँ हम चारों इतनी गोरी सुंदर, कहाँ ये काली खलोटन। हाँ, और इसे तो फैशन का भी सेंस नहीं है बहन जी कहीं की। इसका रंग मेरी आंखों में चुभ रहा है, लेट्स गो। अपने गोरेपन का घमंड करके चारों अपनी काली भाभी की बेइज्जती करके कमरे में चली जाती है। कजरी की आंखों से झर झर आंसू गिरने लगते हैं। चुप हो जा बहू, देखना एक दिन उन चारों को भी तेरी कदर हो जाएगी। कजरी अपने आंसू पोंछ लेती है। कजरी, कैसे भी करके तुझे अपनी चारों ननद का दिल जीतना होगा। अगले दिन नाश्ते में कजरी बहुत कुछ बनाती है। ननद जी, ये लीजिए, हम आप चारों के लिए पूरी कचौरी बनाए हैं। हरी ओ मेरी काली कलूटी भाभी, अब क्या चेहरे के साथ साथ दिमाग पर भी कालिक जम गई है क्या? नाश्ते में पूरी कचौरी कौन खाता है, वो भी इतना ऑयली। हमें तो लगा था कि तुम चारों को ये पसंद आएगा, हम बड़े मन से बनाए हैं। अपनी भाभी का दिल रखने के लिए थोड़ा सा खा लो। भाड़ में जाए तुम जैसी भाभी, ब्लडी बहन जी। इस तरह से वह चारों एक बार फिर कजरी के काले रंग का मजाक उड़ाकर कमरे में चली जाती है। ऐसे ही एक दिन वह चारों पार्टी में जाने के लिए मेकअप कर रही होती है। यार आज तो पार्टी में बहुत ही मजा आने वाला है। हाँ दिव्या, कितने दिनों बाद हम किसी पार्टी में जा रहे हैं, वरना तो इस काली भाभी का मुंह देख देख कर मैं तो पक चुकी हूँ। इतने में कजरी अंदर आ जाती है। ननद जी,
नाम लिया और ये बहन जी हाजिर हो गई। नन्हे जी, आप चारों अपने चेहरे पर का लगा रही हैं? इसे मेकअप कहते हैं। हम भी थोड़ा सा लगा लें। ये मेकअप लगाकर भी तुम काली कलूटी बैंगल लूटी से गोरी नहीं हो जाओगी हमारी भुंडी शक्ल की भाभी जी। नन्हे जी, आखिर आप चारों मेरी इतनी बेइज्जती क्यों करती हैं? मैं आपकी भाभी हूँ। जब से आप आई हैं, मैं आप सबके साथ घुलने मिलने की कोशिश कर रही हूँ। अरे हम क्या ORS का घोल हैं? नहीं ना, हम चारों तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी इतनी बेइज्जती करते हैं, फिर भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम तो बड़ी बेशरम निकली। चारों गोरी घमंडी नंद के ताने और बातें सुनकर बेचारी कजरी की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगते हैं। तभी आरती का वक्त हो जाता है। कजरी रो रो कर भगवान की आरती करती है। ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौनो नाही, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हारे बिन हमरा कौनो नाही। ओ हे कृष्ण कन्हैया मुरली बजैया, इस दुनिया में हम अकेले काले तो नहीं है, तुम भी काले थे, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरी ननद मुझे देखना भी नहीं चाहती, कुछ करो भगवान। ऐसे ही दिन बीतते हैं। वो चारों आए दिन अपने लिए महंगे मेकअप और कपड़े खरीद कर लाती। तभी एक दिन, अरे ननद जी, आप चारों आज भी पार्टी करने जा रही हैं? हाँ, वो पार्टी नहीं पार्टी होती है, समझी? पता नहीं पापा मम्मी ने क्या देखकर तुम्हें हमारी भाभी बना दिया। ना शक्ल है, ना सूरत है, और ना ही बोलना आता है। फ्यूज बल्ब। बाय द वे, हम चारों बर्थडे पार्टी में जा रही हैं। चारों कजरी को मुंह ऐड कर जाने लगती हैं। तभी चंचल की सैंडल मुड़ जाती है और वह सीढ़ी से गिरते गिरते नीचे आ जाती है। आ माँ, मेरा पैर बहुत दर्द हो रहा है। घबराओ मत ननद जी, चलो हमारे साथ। कजरी बिना वक्त गवाए उसे अस्पताल लाती है, जिसमें कि एक्सरे में ये पता चलता है कि चंचल के पैर की हड्डी टूट गई है। कजरी अपनी ननद की छुट्टी करा के घर ले आती है और वहाँ उसकी खूब सेवा पानी करती है। वह उसके पैरों में खूब मालिश करती है और उसका ध्यान भी रखती है, जिसे देखकर चंचल के साथ बाकी उसकी तीनों बहनों को भी अपने किए का पछतावा होता है। देखना ननद जी, बस थोड़े दिन में तुम्हारा पैर एकदम टनाटन हो जाएगा और फिर से तुम मॉडल बनकर पूरे घर में घूमना, ठीक बा? चंचल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भाभी, I'm sorry, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत गिल्टी हूँ। हम चारों ने आपको हमेशा अपने गोरेपन का घमंड दिखाया, आपको काले रंग के लिए कोसते रहे, आपको कितना बुरा लगता होगा ना? हाँ, बुरा तो लगता था, कहे कि हम भी हैं तो इंसान ही, हमको भी अपनों का प्यार चाहिए। ये कहते कहते कजरी फूट फूट कर रोने लगती है। तभी चारों उसके आंसू पोंछती हैं। वी आर सॉरी भाभी, हमने आपका बहुत दिल दुखाया। बट यू आर नाइस गाय। का गाय? पर हम तो तुम चारों की भाभी हैं, फिर हमको गाय भैंसिया काहे बना रही हैं? भाभी नाइस गाय का मतलब अच्छा इंसान होता है। तब ठीक है। इसके बाद चारों अपनी काली भाभी के साथ मिलजुल कर रहने लगती हैं। फिर एक दिन, यार कजरी भाभी हम चारों के लिए कितना कुछ करती हैं, हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। पर सबसे जरूरी है भाभी का लुक चेंज करना, मैंने देखा है वो भी सुंदर लगना चाहती हैं। चारों उसे अपने कमरे में लेकर आती हैं। अरे कहाँ लेकर जा रही हो ननद जी? भाभी यहाँ बैठो, अब आपकी चारों नंद आपका लुक चेंज करने वाली हैं, ताकि हमारी भाभी सबसे खूबसूरत लगे। इसके बाद चारों उसका मैनिक्योर पेडिक्योर करती हैं और फिर मेकअप करती हैं। वहीं दो उसके बाल बनाती हैं। इस तरह चारों गोरी ननद अपनी काली भाभी को पूरी तरह चेंज कर देती हैं। अपने बदले चेहरे को देखकर कजरी भी बहुत खुश होती है। और आखिरकार चारों ननद अपनी भाभी के लिए अपने बर्ताव को हमेशा के लिए बदल देती हैं और अपनी भाभी का लैंग्वेज भी सुधारती हैं। मोर मनोरथ जानू ही नीके, बसहू सदा उर पुर ही के। हे भगवान, बस इतनी दया कर दो कि मेरे रवि का रिश्ता किसी पैसे वाले के घर में हो,
ताकि मेरी बहू लाखों का दहेज लेकर आए और मैं राज कर सकूं। इसके बाद पुष्पा अपनी पूजा की थाली लिए घर लौटती है। बाप रे बाप, बाहर कितनी ठंड पड़ रही है, उफ, हाथ पांव जमने को हो रहे हैं। अरे ओ बबीता, जल्दी से एक कप गरम गरम चाय बना कर ला। हायरी, ये मरजानी ठंड कहाँ से कहाँ, मैं इस कड़के की ठंड में मंदिर चली गई। तभी अखबार पढ़ रहे राम प्रसाद कहते हैं, अरे तो किसने कहा था तुम्हें इतनी ठंड में मंदिर जाने को भाग्यवान, वैसे आज क्या मांगा? माँ जी चाय। अरे मांगू नहीं, भगवान से तो क्या करूं, तुम्हारी तरह गरीबों से रिश्ता तोड़ लूं। कितना कहा था मैंने, मगर तुम्हारी तो मत मारी गई थी, जो इस निगोड़ी को बहू बना ले आए। एक तो इसके गरीब भिख मांगे माँ बाप ने दहेज में एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी, बस एक जोड़ी में विदा करके अपना पल्ला छुड़ा लिया। ये सुनकर बेचारी गरीब बहू की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगते हैं। तभी गुस्से में पुष्पा उस पर चढ़ जाती है। क्यों री मुई, ऐसे घूर घूर कर क्या देखती है, खाएगी क्या? माँ मेरी चोटी बांध दो, स्कूल के लिए देरी हो रही है। आंखों में आंसू लेकर बबीता अनु के पास आती है। अनु उसके आंसू पोंछ कर कहती है, मत रो माँ, चुप हो जाओ, बस एक बार मुझे बड़ी हो जाने दो, मैं पढ़ लिख कर दादी को पैसे दे दूंगी, फिर वो दहेज के लिए तुम्हें ताने नहीं देंगी और अत्याचार भी नहीं करेंगी। हाँ मेरी बच्ची। इसी तरह कुछ महीने बीतते हैं और रवि का रिश्ता एक बड़े अमीर ऊंचे पैसे वाले घर में लग जाता है और ईशा बहुत सारा दहेज लेकर आती है, जिसके बाद से तो पुष्पा उसी के गुण गाने लगती है। आओ आओ मेरे घर की लक्ष्मी, तुम्हारा स्वागत है। उफ मम्मी जी, हो गया ना स्वागत। रवि हमारा बेडरूम कहाँ है, मैं थक गई हूँ। हाँ हाँ रवि बेटा, बहू को ले जा। जी माँ, चलो ईशा। इसलिए कि ईशा अपने साथ दहेज लेकर आई थी, पुष्पा ना सिर्फ उसके नखरे उठाती है बल्कि उसे पलकों पर बिठा कर रखती है। और वहीं गरीब घर से होने के चलते बबीता की शादी के पहले दिन से ही 8 साल बाद भी अभी तक अत्याचार झेलने पड़ते हैं और धीरे धीरे अब सर्दियां भी शुरू हो जाती है। मम्मी जी अब और कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा, अभी नाश्ता नहीं बना? मैंने तो उस मरजानी को कब का नाश्ता बनाने को बोला था, मैं देख कर आती हूँ। ठीक है तो नाश्ता मेरे कमरे में भिजवा देना, एक तो यहाँ हॉल में हीटर भी नहीं लगा, कितनी ठंड है, एक हीटर लगाने की भी औकात नहीं, गरीब लोग। ईशा बड़बड़ाकर कमरे में चली जाती है। ये बात पुष्पा को बहुत खटकती है, जिसका गुस्सा भी बेचारी बबीता पर निकालती है। अरे ओ गरीब की बेटी, अभी तक तुझसे 4 बर्तन नहीं मांजे गए, हाँ अब कब नाश्ता बनाएगी, जब मेरी ईशा बहू की भूख मर जाएगी। बस बनाने ही जा रही हूँ माँ जी, वो पानी बर्फ जितना ठंडा है, बर्तन मांजने में हाथ जमने को हो रहे हैं, पानी गर्म करने के लिए एक रॉड मंगवा दीजिए। क्यों रे भिख मंगन, तेरे भिखारी मायके वाले क्या पैसे भेजे थे? अपने गरीब घर में तो ठंडे पानी से बर्तन कपड़े धोती होगी, यहाँ महारानी को गर्म पानी चाहिए। ये तो तुझ गरीब की किस्मत है, जो तुझे इस घर में चूल्हा नहीं झोंकना पड़ रहा, इतना राज क्या कम है? ये सुनकर बबीता की आंखें भीग जाती है। ऐसा भी क्या राज कर रही हूँ मैं माँ जी, और इतने सालों में आपने मुझ गरीब को क्या राज दिया है, दिन भर एक पांव पर नाचती हूँ, न तन पर ढंग से कपड़े है न एक गहने, बस। अच्छा और तुझे खिलाता क्या तेरा बाप है? माँ जी मैं दिन रात इस घर में काम करती, बदले में आप मुझे 2 वक्त की रूखी सूखी रोटी देकर एहसान नहीं कर रही मुझ गरीब पर। पुष्पा बबीता को जोरदार थप्पड़ मारती है। 2 कौड़ी की गरीब भिखारी की बेटी, औकात एक पैसे की नहीं, मुझसे जुबान लड़ाती है, आने दे आज पप्पू को, तब देख बड़ी ठंड लग रही है ना तुझे। क्यों भगवान, आखिर तूने मुझ गरीब बहू की किस्मत में क्या लिखा है, एक बेटी बहू क्या बनती है, उसकी जिंदगी ऐसी बदल जाती है। रात में पप्पू जब आता है तो पुष्पा उसे भड़का देती है। बबीता जैसे ही कमरे में आती है, पप्पू उसे बिस्तर से लात मारकर गिरा देता है। आह माँ जी आपने मुझे धक्का क्यों दिया? ज्यादा नाटक मत कर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से बराबरी जुबान लड़ाने की, साली गरीब की बेटी, बहुत ठंड लगती है ना तुझे, आज से तू और तेरी बेटी ठंड बीतने तक इसी जमीन पर सोना,
क्योंकि ये पलंग मैंने अपने पैसे से खरीदा है, तेरे बाप ने दहेज में नहीं दिया था मुझे। बबीता रात भर ठंड में सर्द भरी जमीन पर सोती है। माँ बहुत ठंड लग रही है। हे भगवान क्या करूं मेरी बच्ची। बबीता एक बोरी लाकर अनु को ओढ़ा देती है। फिर एक दिन, मम्मी जी मेरे लिए एक नई रजाई भरवा दीजिए। पर बहू अभी तेरी शादी से पहले ही मैंने वो रजाई भरवाई थी, मगर वो एकदम पतली है, इसमें मेरी ठंड नहीं जाती, इसलिए मुझे नई रजाई चाहिए। और हाँ मेरे बाथरूम का गीजर खराब हो गया है, उसे ठीक करा दीजिए। उफ, एक और नया खर्चा बढ़ा दिया, कोई बात नहीं। अपनी अमीर बहू की फरमाइश पर पुष्पा उसी दिन बाथरूम में नया गीजर लगवा देती है और महंगी रजाई भरवा देती है। मगर अभी गरीब बहू के तन पर एक स्वेटर तक नहीं था। वो ठंड में ठिठुरती रहती है और भरी ठंड में भी सुबह उठकर ठंडे पानी से काम करती है। वहीं अमीर बहू सारा दिन रजाई में पड़ी पड़ी ऑर्डर देती है। उफ, कितनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ये ठंडी ठंडी हवाएं तो हड्डियों में तीर की तरह चुभ रही है। माँ जी बहुत ठंड लग रही है, मेरे लिए बाजार से एक आधा स्वेटर मंगवा दीजिए, अब ये ठंड और नहीं झेली जा रही। मैंने तुझे दो स्वेटर खरीद कर तो दे रखे हैं, उसे क्यों नहीं पहनती? हाँ माँ जी, इतने सालों में आपने बस वही दो स्वेटर तो मुझे खरीद कर दिए थे, हर साल मैं उसे ही जगह जगह पर सी कर पहनती हूँ, अब तो वो भी बिल्कुल ही फट गए हैं, पहनने लायक भी नहीं बचे। सच जेठानी जी, तुम्हारी हालत देखकर मुझे बड़ी दया आ रही है, एक स्वेटर भी नहीं तुम्हारे पास। अच्छा तुम यही रुको। ईशा अपने कमरे में जाती है और एक पुराना स्वेटर लाकर बबीता के मुंह पर फेंक कर घमंड से कहती है, ये लो तुम भी क्या याद रखोगी कि तुम्हारी अमीर देवरानी ने तुम्हें अपना स्वेटर दिया है। वो क्या है, मेरा दिल बहुत बड़ा है, वैसे शादी से पहले तक मैं अपने सर्दी के पुराने कपड़े गरीबों में बांट देती थी, पर अब जब घर में ही रेडीमेड गरीब है तो ठंड में बाहर क्यों जाना। अपने आत्मसम्मान को यूं तार तार होता देखकर बबीता की आंखें भर आती है, मगर रूह कपा देने वाली ठंड को देखकर बबीता वो स्वेटर पहन लेती है। तभी, अरे ओ मेरी गरीब बहू, चल अब जल्दी से अंगीठी में आग जला दे, और हाँ मेरे कमरे में एक गजक और मूंगफली रखी है, लेकर आ। जी माँ जी। बबीता ठंड में कुल्हाड़ी से लकड़ी काट कर आग जलाती है और दोनों अमीर सास बहू आग तापते हुए मूंगफली और गजक खाते हैं। अनु ललचाई आंखों से हाथ बढ़ाकर कहती है, दादी दादी मुझे भी गजक खाना है, एक मुझे भी दे दो। अमीरी के घमंड में ईशा उसे धक्का दे देती है, कोई मूंगफली नहीं मिलेगी तुझे, समझी, चल भाग यहाँ से। माँ चाची बहुत बुरी है, उन्होंने मुझे धक्का मारा। अरे कैसे कलेजा है तुम्हारा पुष्पा, पोती सामने खड़ी होकर तुमसे कुछ मांग रही है और तुम देख भी नहीं रही हो। अरे ये क्या मुझे सोने का झूला लगाएगी जो इसे खिलाऊं? वैसे मम्मी जी सर्दियों में आग तापते हुए मूंगफली और गजक खाने का मजा ही अलग है। अच्छा सुनो मेरी गरीब जेठानी जी, शाम को मेरे लिए गाजर का हलवा जरूर बनाना। बबीता किचन में जाने लगती है, तभी अचानक अंगीठी की आग पुष्पा के शॉल में पकड़ लेती है। आग आग, हरीशा बहू मुझे बचाओ, पहले अपनी जान बचाई। शा अपनी जान बचाने के लिए अमीर बहू अपनी सास को आग में छोड़ देती है। तभी बबीता दौड़कर आती है और शॉल में लगी आग को अपने हाथों से बुझाने लगती है, जिससे पुष्पा की जान तो बच जाती है मगर बबीता का हाथ बुरी तरह से जल जाता है। माँ जी आप ठीक तो हैं? हाँ बहू मैं ठीक हूँ। इसके बाद पुष्पा की आंख खुलते देर नहीं लगती, वो अपने किए पर पछताते हुए कहती है, बहू मुझे माफ कर दे, मैं तुझे हमेशा गरीबी का ताना देती रही, गालियां देती रही, मगर आज तूने मुझे बचाया है, वरना तो। इस पर बबीता का भी दिल भर आता है और वो अपनी सास के आंसू पोंछती है। उस दिन से पुष्पा का अपनी गरीब बहू के लिए बर्ताव पूरी तरह से बदल जाता है। ईशा भी उसके साथ मिलजुल कर काम करवाने लगती है।